हाजीपुर में एक नई जो है हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है, सुनैना मेमोरियल हॉस्पिटल सुभाष चौक हाजीपुर में ये है। और बंद्रा मैम और सर और बीना मैम, बंद्रा मैम और बीना मैम दोनों बहन हैं और संयुक्त रूप से सारे सर लोग जो है आज यहाँ पे भव्य तरीके से, मतलब 5 जो है फ्लोर है ये हॉस्पिटल का और सारे जो है सुसज्जित और हाईटेक व्यवस्थाएं से जो है ये हॉस्पिटल लैस है। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि यहाँ सुविधाएं क्या कुछ है, और चूंकि कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है, बहुत लोगों को लगता है कि कॉस्ट भी, बहुत सारे मरीज जो आते हैं तो उन लोगों को लगता है कि जो हाईटेक हॉस्पिटल उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेंगे, तो इस मुद्दे पर भी सर से जुड़ेंगे। सबसे पहले तो सर आपसे जुड़ेंगे, क्या शुभ नाम हुआ सर? मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, DM कार्डियोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली, और मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट इंटेंसिविस्ट और मल्टी सुपर स्पेशलिटी विंग को मैं देखता हूँ। तो बेसिकली हमारा एक मकसद है कि हाजीपुर में एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस और पेशेंट केयर को मद्देनज़र रखते हुए खोला गया है, जो कि गरीबों की सेवा के लिए समर्पित है। और इसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि कॉस्ट कम हो और केयर मैक्सिमम हो। मतलब कॉस्ट की बात है, खासकर जो वैशाली के लोग हैं तो ये लोग ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते हैं, ज़्यादातर सदर अस्पताल की ओर रुख कर जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई मरीज आते हैं तो उन्हें कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में कितना जो है एक्सपेंस होना चाहिए और क्या कुछ व्यवस्था भी है, क्योंकि व्यवस्था पे भी डिपेंड करता है, क्या कहेंगे सर? इसके लिए बेसिकली हम आयुष्मान भारत योजना लेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार का हेल्प लेंगे, भारत सरकार और बिहार सरकार का हेल्प लेंगे, प्लस NGO का हेल्प लेंगे, और गरीबों के लिए हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो करके हम उसमें गरीबों की सेवा के लिए समर्पित होंगे। ICU, जनरल OT, गायनी OT, गायनोकोलॉजिस्ट जो ऑपरेशन करती हैं, प्लस वेंटिलेटर, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और इसमें ये सॉरी जो एक आयुष्मान भारत जो निकला है तो उससे आपका हॉस्पिटल टैग हो गया? जी जी, अभी हम लोग प्रयास में, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, आप लोग का सहयोग चाहिए और हम लोग अपने तरफ से मैक्सिमम कोशिश करेंगे कम से कम खर्च में हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और अच्छा व्यवस्था और पेशेंट केयर हो, जिसमें पेशेंट अपने आप को क्रस्ट नहीं फील करें कि हमारा शोषण हो रहा है, कम खर्च में अच्छी व्यवस्था। एक चीज़ और मैडम है कि जिस तरीके से हाजीपुर में रेशियो बढ़ रहा है हॉस्पिटल का, तो कंपटीशन भी हो गया है, तो ऐसे में आपके यहाँ जो व्यवस्था है उससे, मतलब जो मरीज हैं कितना संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि नया हॉस्पिटल है? हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधाएँ दी जाएगी कि सारे लोग बहुत ही संतुष्ट हो के आँख बंद करके विश्वास करके हमारे पास आएंगे। काफ़ी भीड़ रहेगी और हम अच्छा से अच्छा सुविधा देने के लिए तत्पर रहेंगे। मैडम भी हमसे जुड़ गई है, मैडम इधर आइए, आप कुछ बताइए, क्योंकि सारे चीज़ तो आप ही देखेंगी, इसको क्या व्यवस्था है इस हॉस्पिटल में? यहाँ हमारे हिसाब से लगता है कि जैसे हमने व्यवस्था रखा है, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। हमारा जो USP बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी, वो है कम पैसे में यानी बजट में अच्छी चिकित्सा देने की कोशिश होगी हमारी। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम लोगों को कम से कम दाम में ईमानदार सेवा दें। ऐसा एक चीज़ और है, इमरजेंसी सुविधा हर जगह लिखा जाता है, लेकिन इमरजेंसी में आने पे मरीज को डायरेक्ट डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाती है, कंपाउंडर से हो जाती है, तो ऐसे में क्या कहेंगे मैं? मेरा कहना यही है कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो मेरे डॉक्टर साहब हैं OP शर्मा सर जी, इन्होंने हमें बोला है और हमारी व्यवस्था ये है कि रेसिडेंट डॉक्टर जो 24 घंटा हमारे इन हाउस रहेंगे और हर स्थिति में हमें डॉक्टर के का परामर्श और चिकित्सा मिलेगा हमारे दुखी लोगों, जो बीमार लोग हैं जो आते हैं उनके लिए। तो ये हमारा पहला लक्ष्य है कि कंपाउंडर से या किसी चीज़ से नहीं, चूँकि डॉक्टर्स अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो भी अच्छे होते हैं, कंपाउंडर भी अच्छे होते हैं, लेकिन उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मेरा नाम डॉक्टर पायल शाह, हाजीपुर में ये तो आई थिंक सो बेस्ट हॉस्पिटल हो जाएगा, हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद ही हाजीपुर में कोई हॉस्पिटल में हो। ICU बेड्स के साथ जो स्वीट रूम है, प्लस लिफ्ट है, 4 फ्लोर का है, पेशेंट को किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा, सर्जरी का सुविधा है, सीजेरियन सेक्शन का सुविधा है, प्लस डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी का भी सुविधा है।
हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी का। यहाँ लोग गायनी ओपीडी चलाते हैं क्योंकि सीजर करके पैसा कमाने के लिए, बट मेरा ये गोल नहीं है। अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ तो वाई शुड वी डू सीजर, ठीक है। तो मेरा गोल यही है कि मैं अच्छे से अच्छे अपना बेस्ट दूँ पेशेंट को ठीक करने के लिए। और डॉक्टर वंदना कुमारी जिनका है ये, वो भी बहुत अच्छी है, फिजियोथेरेपिस्ट है। हम लोग दोनों मिलके हम लोग सोचे हैं कि अपना बेस्ट दे। और मेरा यहाँ खुद का मेरा खुद है सेंट पॉल स्कूल है, उन्हीं की मैं बहू हूँ, ठीक है। तो फिर हाजीपुर में तो पहले मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा था, बट यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं यहाँ बैठूंगी ताकि अपना बेस्ट हाजीपुर के लोगों को दूँ। और ओरिजिनली मैं कोलकाता से हूँ, बट मैंने हमेशा सोचा कि कोलकाता में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट मैं हमेशा सोची कि रूरल जहाँ डॉक्टर की नीड है वहाँ मुझे वो करना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए, जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, जहाँ पे लोग डॉक्टर्स की कमी के कारण लोग मर जाते हैं या फिर कुछ भी उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती है तो पेशेंट सफ़र करते हैं, पेशेंट के साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर सब सफ़र करते हैं। तो मेरे एक करने से तो नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगी मेरे तरह और भी डॉक्टर्स हो जो ये सोचे कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ना कि कैश के लिए। नेशनल टीवी बिहार पे बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे सर आप? हमारी मानसिकता है कि रूरल एरिया में अच्छी चिकित्सा हो और लोगों को सामान उचित खर्चा लगे। आज यह है कि बहुत जगह लूट खसोट होता है, कोरोना काल में ऑक्सीजन 500-600 का ऑक्सीजन 15,000-20,000 से लेके 50,000 तक बिकता रहा। लोग तबाह थे कि कैसे जीवन बचावें और परेशान थे। हम लोगों का यही मानसिकता है कि अच्छा से अच्छा ढंग से हॉस्पिटल को संचालित करें, उचित कीमत पर अच्छी व्यवस्था हो चिकित्सा।